Assalamu alaikum, mera naam Rabia hai. Welcome to Malaysian Girl Food Ration. Today I'm going to rag on the old street food of Lahore, Dehi Gate, famous Naan Ka Thai. And the channel is Street Food PK. Kya aap taiyar hai? Chaliye shuru kare. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़िया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में और ये है लाहौर का दिल्ली गेट। मुगलिया दौर में लाहौर के कुल 13 दरवाज़े हुआ करते थे और दिल्ली गेट उनमें से एक गेट है। इसको दिल्ली गेट इसलिए कहते हैं कि इसके बिल्कुल सामने जो है वो दिल्ली था और जब भी किसी को उस टाइम पर दिल्ली जाना होता था तो वो यही दरवाज़ा इस्तेमाल किया करते थे। इस दिल्ली गेट के अंदर बहुत ही तारीखी वज़ीर ख़ान मॉस्क है जो 17वीं सदी की बनाई हुई है और यहाँ पे अंदर खलीफा नान खताई की शॉप भी है और मेहरदास कुलचा जो है वो भी बहुत कदीम शॉप है। इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अंदर हैं। तो दिल्ली गेट से अंदर चलते हैं अंदरून लाहौर में और देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। चलें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? कौन से समोसे हैं? आलू के? किसके? आलू के। और ये भी आलू, आलू टिक्की। इतने चार का? अच्छा भाई, अभी दरवाजे से अंदर आते हुए हमने यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई थी, वो भी थोड़ी सी पढ़ी। तो इस दरवाजे से लेके शाही किले तक का जो रास्ता है उसको शाही रास्ता कहा जाता था क्योंकि यहाँ से बादशाह अकबर जो है वो गुजरते थे और जब रंजीत सिंह का दौर आया तो वो भी इसी रास्ते से गुजरते थे और अंग्रेज़ों के ज़माने में ये बहुत खस्ता हाल हो गया था तो इसको गिरा के दोबारा तामीर किया गया और फिर रिसेंटली अभी इसकी दोबारा से रेनोवेशन हुई है। और जैसे ही अंदर आते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा समोसे का स्टॉल लगा हुआ है, आलू का ज़बरदस्त सा समोसा है। केचप के साथ उसको ट्राई करते हैं। खस्ता करारा, बहुत ही आला। मुग़ल दौर में ये शाही हमाम हुआ करता था, यहाँ पे सारे बादशाह वादशाह आके नहाया करते थे। हमारे घर में तो एक नॉर्मल सा बाथरूम होता है, उसी के अंदर हमाम भी होता है। यहाँ शाही हमाम जो है वो उनके लिए अलग सेटअप बना हुआ है। ये जो है वो चेंजिंग रूम थी, यहाँ पे कपड़े बदले आते थे और यहाँ से घूम के आप आएँ और सीधे हमाम में डुबकी लगा दें। 2013 में जब डिगिंग हुई इसकी रेनोवेशन के लिए तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं। दही बल्ले मिलने भाई दिल्ली गेट के बिल्कुल सामने, दही यहाँ दही बल्ले मिल रहे हैं यहाँ पे और वहाँ पे मिल रहे हैं समोसे। आगे की तरफ चलते हैं। असलम नान कबाब शॉप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या चीज़ें अंकल? नान और कबाब। कितने का नान है और कितने का कबाब? 30 रुपए का कबाब है, 12 रुपए का नान। अच्छा, क्या वो टक टक वाला? आपको आप बताएं कौन सा अच्छा है? वो कबाब अंडा डाल के बनेगा। अंडा डाल के बनेगा वो 70 रुपए का अंडा ठंडा कबाब बनेगा। अंडा टिक्की यानी के? अंडा टिक्की बनेगा। अंडा टिक्की, अंडा टिक्की बिल्कुल बना दे। चिकन का कबाब है और इसके अंदर थोड़े से ये मसाले डाल रहे हैं। क्या क्या डाल रहे हैं बताइए ना। ये मसाले मसाले ही हैं सारे। अब एक एक चीज बताऊंगा मैं। नहीं नहीं, एक एक आपको टेस्ट क्या लगे राज है, यानी कि टेस्ट एक एक चीज बताना जो है वो तो रेसिपी चली जाएगी मेरे ना। यहाँ पे ये चटनी भी रखी हुई है बहुत ज़बरदस्त किस्म की। Okay.
तो रायता चटनी हो गया, नान और कबाब हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही गरम गरम नान है और फ्राई हुआ हुआ नान है ज़बरदस्त किस्म का। बहुत आला भाई, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है कबाब का, तो टेस्ट है ही, लेकिन उसके साथ जो अंडा घोटाला इन्होंने बना के मिक्स किया है, हम कराची में उसको बोलते हैं अंडा घोटाला। अच्छा, थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना वो अंडा भी है, कबाब भी है, वो हल्का सा ऐसा लग रहा है कि ये चपली कबाब का टच भी इसके अंदर थोड़ा सा आ रहा है, यही चपली कबाब का छोटा भाई इसको कह सकते हैं। चपली कबाब जैसे ही रखा है ताकि आपको टेस्ट वो लगे, चपली कबाब जैसे ही रखा। पुराने मजरूम लाहौर के अंदर इस तरह बैठ के अंडा टिक्की खाने का भी जो है ना वो मज़ा ही अलग है। बहुत बहुत ही पुरानी पुरानी यहाँ पे बिल्डिंग है, कदीम दौर की, और अंदर जाओ तो एक अलग दुनिया नज़र आती है। क्या बात है लाहौर की, अरे सीन ये है कि अंदरून लाहौर की गलियों के अंदर हम भूल भुलैयों के अंदर चले गए और हमें जाना है वज़ीर ख़ान मॉस्क, तो अभी शाहिद भाई मिले, उन्होंने कहा आप जो है ना वो गलत जगह पर आ गए, गलियों में घूमते घूमते मैं आपको ले कर चलता हूँ, चलते हैं। मस्जिद वज़ीर ख़ान 17वीं सदी में मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर में बनवाई गई। मस्जिद के मीनारों और दीवारों पर बने खूबसूरत नक्शोनिगार और कैलीग्राफी इस मस्जिद की खासियत है। मस्जिद के सहन में अजीम सूफी बुजुर्ग मीरान शाह का मज़ार भी मौजूद है, जो 13वीं सदी में ईरान से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे। बादशाही मस्जिद बनने से पहले मस्जिद वज़ीर ख़ान को जामा मस्जिद का दर्जा हासिल था। मस्जिद वज़ीर ख़ान के बाहर जो है वो ये लिमका का स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ बट दाल चावल भी मिल रहे हैं, और यहीं बराबर में ये चरवे का सीन बना हुआ है, और सामने वो जो गली जा रही है वहाँ पे खलीफा बेकरी है, जिसकी नान खताई पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो चलते हैं अब खलीफा बेकरी की तरफ। और ये खलीफा बेकरी के रास्ते में मुझे बोर्ड नज़र आया है कराची नसीब बिरयानी का। कहाँ पर है ये कराची नसीब बिरयानी? ख़त्म हो गई, अनार गली चला गया है। अच्छा अच्छा, वैरायटी नॉन शॉप। ये खलीफा बेकरी किधर है? इधर से सीधा यहाँ मिल रहा है भाई, बादाम इलायची वाला दूध सोडा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? कितने का है दूध सोडा? 60। ये बोतल है दूध सोडा, बोतल भाई मूवी के अंदर मैंने देखी है, ये तो किसी और की है, लेकिन इसके अंदर जो है वो अभी दूध सोडा है। ठीक है, देखते हैं। वाह भाई वाह, दूध सोडा पी के ठंड पड़ गई है, इलायची और बादाम का जायका इसके अंदर आ रहा है, सोडा भी है इसके अंदर, दूध भी है, इसीलिए इसको कहते हैं दूध सोडा। और फुल बर्फ़ के अंदर हैवी ड्यूटी है, गर्मी के अंदर गर्मी का तोड़ है, जायका बहुत आला है। और ये आ गई है भाई खलीफा बेकरी, जिसको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पे आए हैं, मशहूर ज़माना खलीफा बेकरी, जिसकी नान खताई की धूम पूरे पाकिस्तान में है। और इसी के सामने ये होटल है जिसके ऊपर मैच चल रहा है,
इंडिया और पाकिस्तान का मैच है आज वर्ल्ड कप का। 334 रन बनाए इंडिया ने, 5 आउट हुए। तो भाई जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो ना तो इस तरह से लोग बैठे हुए मैच देख रहे होते हैं, सबकी नज़रें जो हैं वो मैच के ऊपर होती हैं। 334 पे 5 आउट, 335 हो गए अब। लेकिन जब तक आप ये वीडियो देखेंगे उस वक्त तक तो मैच हो चुका होगा, हो सकता है वर्ल्ड कप भी ख़त्म हो गया हो। चलते हैं खलीफा बेकरी के अंदर। सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक है। बहुत ही अलग टेस्ट होता है इसका, बहुत ही बहुत सी नान खताइयाँ खाई हैं लेकिन इसकी बात ही कुछ अलग है। तो थोड़ा सा बताइएगा ये कब से शुरू हुई, क्या खास बात है इसके अंदर? ये ना मेरे जो परदादा थे ना जी, वो कहीं वो काम कर रहे हैं। परदादा आप? मेरे परदादा। खास बात ये है कि ये देसी घी की बनी हुई है और इसमें बादाम होते हैं और ये पुरानी हमारी रेसिपी आ रही है, बहुत पुरानी। नान खटाई के अलावा और भी कोई चीज़ है जो आपके यहाँ हमारी? यानी कि वो चना बिस्कुट है, खजूर वाले बिस्कुट हैं और केक रस है, ये हमारी मशहूर चीज़ है खटाई के साथ। तो आपकी नान खटाई कहाँ बनती है? जो बेकरी है वो किधर है? ये ऊपर वाले सारा कहाँ नहीं है इसके ऊपर। अच्छा, ऊपर है बेकरी? तो आप बेकरी ऊपर ही है हमारी। अच्छा अच्छा, तो उसमें भी अभी बन रही होंगी नान खटाइयाँ? पक रही होंगी? हाँ पक रही होंगी। तो हम देख सकते हैं उसको? आपको दिखाएं? दिखा दें तो अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। ये है भाई खलीफा नान खताई की बेकरी, सुपर किचन। अच्छा भाई, मैदा, बादाम, चीनी जो भी रेसिपी है इनकी वो इन्होंने यहाँ पे गोंद के रखी हुई है और नान खताइयाँ बनती जा रही हैं, पेड़े बनते जा रहे हैं। और ये है ट्रेस के अंदर, माशाल्लाह से आप स्पीड चेक करें। अच्छा, ये वहाँ पे जो है वो एक फॉल लगी हुई है जो नान खटाइयाँ बनाती जा रही है, यहाँ पे ट्रेज आती जा रही है और यहाँ पे एक भाई बैठे हुए हैं जो इनके ऊपर दूध लगाते जा रहे हैं। ज़बरदस्त भाई, मेरी बहुत ही बड़ी ख्वाहिश थी कि देखूँ कि ये नान खटाइयाँ आखिर बनती किस तरह हैं, किस जगह पर। वैसे एक दिन में कितनी अंदाजन कितनी नान खटाइयाँ होती होंगी? 70-80 मन। 70-80 मन। ये जो मशीन है ये मिक्स करती है सारे बादामों को और मैदे को, जो भी इनका रेसिपी है। और ये यहाँ पे बादाम रखे हुए बहुत सारे, पूरे पूरे बादाम होते हैं नान खटाई के अंदर। और यहाँ पे ट्रेज जो है वो आती हैं और ये असल में ओवन है। ओ, ओ बहुत ही आला भाई, ये स्पेशल ओवन है? ये स्पेशल ओवन है कोई? हाँ जी, स्पेशल। इसके अंदर नान खटाइयाँ रोल होती रहती हैं और कंटिन्यूसली बनती रहती है। क्या बात है, पसंद है? निकल रहा है ये तैयार हुई हुई है यहाँ पे, ये तैयार हुई हुई नान खटाइयाँ यहाँ पे रखी हैं। इंतहाई से ज़्यादा गर्म हो रही है इस वक्त ये, और खलीफा बेकरी के अंदर इनके किचन में आके नान खटाई खाना जो है ना वो भी एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। और मेरी खुशी की इस वक्त इंतहा नहीं है क्योंकि मेरी फेवरेट है, कराची में ही बैठ के मैंने खाई है, बहुत ही ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे पास अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूँ। रोस्टेड आलमंड इसके अंदर होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। और ऐसा टेस्ट होता है ऐसा कि बंदा खाता जाए खाता जाए खाता जाए। तो मैं कराची से लाहौर आ रहा था तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे फरमाइश कर दी, भाई आप जाना तो नान खटाई लेकर ज़रूर आना। जिस तरह मुल्तान का सोहन हलवा मशहूर है, हैदराबाद की बॉम्बे बेकरी का केक मशहूर है, उसी तरह लाहौर की खलीफा की ये नान खटाई पूरे पाकिस्तान में गया, पूरे दुनिया में ही मशहूर है। वाह, मज़ा आ गया। अच्छा भाई, अगर आपको पाकिस्तान में किसी भी शहर के अंदर खलीफा की नान खटाई मंगानी है तो ये इनका नंबर है, नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपके घर पे होम डिलीवरी हो जाएगी। तो ये था मस्जिद वज़ीर ख़ान और अंदरून लाहौर का विज़िट।
और खलीफा बेकरी की का प्रोसेस देख के वहाँ पे जो नान खटाइयाँ बन रही थी वो देख के तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया, और अंदरून शहर की गलियों में घूमने का भी अपना ही मज़ा था। तो उम्मीद है कि आपको भी वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। Okay, all right. I really enjoyed this video. I really love the historical building places, and yeah, in Lahore, the building is so beautiful, especially the mosque. Allahu Akbar. It's beautiful. All right. And then the famous Nan Hatai. Nan Hatai is made in Lahore. I would love to try it. Okay. And then there is another one, the milk soda. I would love to try that one as well. All right, guys. Thank you so much for your suggestion. If you like this video, help us share this video with your family members and friends. Don't forget to share it on your social media as well. Please subscribe our channel, Malaysian Girl Food Rations. Thank you so much. Till next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.